Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing good. So let's start today's video, and aaj ka video thoda sa unique hone wala hai. As I told you in my previous videos, this is going to be a home tour video. Alright, so अभी तो मेरा प्लान नहीं था कि ये वीडियो मैं शूट करूँ या अपलोड करूँ, बट आई हैव गॉट सम रिक्वेस्ट, सो आई थॉट कि चलो बना ही लेते हैं. अच्छा जी, सो विल स्टार्ट ऑफ बाय नाउ. तो हमारा घर जो है, इट्स ऑन 7th फ्लोर, और ये है हमारे घर का मेन डोर विच इज़ ऑल फुली ब्राउन इन कलर. एंड सामने आप लोगों को लाइट्स नज़र आ रही होगी, सो ये पतले पतले स्ट्रिप्स हैं लाइट्स के, और इनके बीच में ना ब्लैक कलर के मिरर लगे हुए हैं. शायद यहाँ से नहीं नज़र आ रहा होगा, बट इट्स काइंड ऑफ अ ब्लैक इन कलर. अच्छा जी, सो डोर के बिल्कुल ऊपर ये जो दुआ है उसका फ्रेम लगा हुआ है, एंड ये हमें एक्चुअली गिफ्ट मिला था, मेरी बड़ी अम्मी ने दिया था व्हेन वी शिफ्टेड इनटू आवर न्यू हाउस. एंड इसके एग्जैक्टली बगल में है यहाँ पर मेरे अब्बू का नाम, और हमारे घर का जो है वो रूम नंबर है. सो बेसिकली इट्स अ नेम प्लेट. सो नेम प्लेट जो होता है वो यूजुअली डोर के बिल्कुल बगल में लगा होता है, लेकिन जब काम चल रहा था और लाइटिंग वगैरह का पूरा बाहर जो काम हो चुका था, उसके बाद हमारी आर्किटेक्चर को याद आया कि नेम प्लेट के लिए जगह ही नहीं बची है. सो शी एडजस्टेड लाइक दिस, ऊपर उन्होंने एडजस्ट कर लिया था, और यहाँ पर नीचे ये शू रैक है, अंदर सारे चप्पल जूते भरी हुई है, एंड इस तरीके का एक सीट भी बनवाया था. अच्छा जी, तो ये था हमारा बाहर का फुल लुक, और अब हम सीधा अंदर एंटर करते हैं मेन डोर से. सो एज़ वी एंटर इनसाइड, तो सामने जो हमारा अंदर का डोर है दैट इज़ ऑल्सो एग्जैक्टली ब्राउन इन कलर, और सामने आप लोगों को ये पैनलिंग का वर्क नज़र आ रहा होगा. सो ये पैनलिंग के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, इसे बहुत ज़्यादा रोशनी तो नहीं आती है, बट इट लुक्स गुड. तो 5 इस तरीके की लाइट्स लगाई हैं, और ये पूरा आइडिया जो है हम आर्किटेक्चर का ही. ऑलराइट, सो एज़ वी मूव अपवर्ड आप लोगों को एक चैंडलर नज़र आ रहा होगा. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल पीस. तो ये जो है ना, ये पहले यहाँ पर नहीं लगा हुआ था, ये हमने लिविंग रूम में लगा रखा था, और ये ऐसे ही था, बिल्कुल खाली था, बस यहाँ पर लाइट्स लगी हुई थी, लेकिन हमने ये कुछ महीने पहले यहाँ पर शिफ्ट किया है. वो क्यों और कैसे वो आप लोगों को नज़र आएगा जब हम लिविंग रूम देखेंगे तब. और नीचे आते साथ ही राइट हैंड साइड पे सारे स्विचेस है जो मैंने बाहर की लाइट्स ऑन रखी हुई है, और पैनलिंग वाली ऊपर से जो झूमर है उन सब की जो स्विचेज़ है वो यहाँ पर है, और छोटा सा स्क्रीन भी था, जो भी बेल बजाएगा ना तो वो स्क्रीन पर बेसिकली हम लोग को नज़र आएगा. अच्छा जी, सो एंटर करते साथ ये छोटी सी लॉबी थी, और अब हम आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले जो आता है वो मेरा बेडरूम है. और अंदर एंटर करते साथ ही यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ नज़र आ रही होगी वो है माइलो की बास्केट, और यहाँ पर ये मेरा क्लोथिंग रैक है. बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने, मैंने अपने वीडियोज़ में बहुत बार शो किया अपना रूम. सो उसके बिल्कुल सामने ही है ये मेरा बेड है. तो इस बेडरूम का जो थीम है वो लाइट कॉफ़ी एंड ब्राउन कलर में है, और बेड के बिल्कुल बगल में लेफ्ट हैंड साइड पे ये मेरा वार्डरोब है, और वार्डरोब के ऊपर भी बहुत सारी स्पेस बना के रखी हुई है. तो इसमें ना सारे इसमें कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है, हमारे कोई भी स्पेस खाली नहीं है क्योंकि सामान ही इतने ज़्यादा है. तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ हो गया कि हमारे पास स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है. और वार्डरोब के अंदर का तो वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने बहुत बार दिखाया अपना जब सेटिंग वगैरह करती रहती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ. सो यू गाइस मस्ट हैव सीन इट. और आगे बढ़ेंगे तो ये छोटू सा साइड टेबल है, इसको हम लोग फोल्ड भी कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं, तो थोड़ी सी स्पेस भी बच जाती है. और ये जो है मेरे हेडबोर्ड के पीछे इस तरीके से जो है लाइट्स लगी हुई है, एंड दिस इज़ फुली ब्राउन इन कलर, वुडन का बना हुआ है ये. और ये बात तो मैंने पहले भी बहुत बार बताई हुई है आई गेस, कि ये बेडरूम जो है पहले मेरे भाई का था. सो ये वाला जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, वो पहले इस तरीके से नहीं, कुछ और बनने वाला था. डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी थी, बट मेरे भाई ने मना किया आर्किटेक्चर को, और उसने ये पूरा फिर अपनी पसंद से बनवाया था, एंड एट लास्ट मैंने ये बेडरूम छीन लिया उसका. अच्छा जी, सो एज़ वी मूव फॉरवर्ड, वहाँ पर एक क्लॉक लगाया हुआ है बेडरूम के थीम से मैच करने के लिए, मैंने ब्राउन कलर का लेकर आया था, लेकिन उसमें कुछ खास टाइम नज़र नहीं आता है, बट इट लुक्स गुड. अच्छा जी, तो नीचे आएंगे तो सेम मेरा क्लोथिंग रैक है, उस पर मैंने शूज़ रखे हुए हैं, और माइलो की भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही होगी आप लोग की, उसकी बास्केट है वहाँ पर, उसका टॉय भी रखा हुआ है, एंड उसके एग्जैक्टली बगल में एक छोटा सा स्टडी टेबल भी यहाँ पर है. तो ये भी लास्ट मोमेंट पर बनवाया गया था, मेरे अब्बू ने बोल के बनवा दिया था कि स्पेस बची हुई तो स्टडी टेबल बनवा लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम हुआ है. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, तो मैंने कुछ चीज़ें इस पर लगा रखी है अपनी. आई वॉन्टेड टू मेक इट मोर एस्थेटिक, बट आई डोंट हैव मच आइडिया राइट नाउ. सो अगर कभी हुआ तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी. और यहाँ पर भी स्विचेस दिए हुए हैं, सो इट बिकम्स ईजी टू चार्ज योर फ़ोन और लैपटॉप, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है. और यहाँ पर स्टडी टेबल पर ना दो ड्रॉवर्स हैं जिसमें मैंने कुछ अपनी स्टेशनरी स्टफ़ रखे हुए हैं, विच आई वॉज ट्राइंग टू
मेक इट क्यूट, बट आई डोंट नो किस हद तक सक्सेसफुल हुई हूँ। अच्छा जी, तो ये चेयर है और आगे मूव करेंगे तो एक बड़ी सी विंडो है इस तरफ जिसको मैंने फुली कर्टन से कवर करके रखा हुआ है। एंड हियर कम्स आर ड्रेसिंग टेबल। तो यहाँ पर कुछ मेरे स्किन केयर की चीज़ें रखी हुई हैं जिसको मैं हार्डली यूज़ करती हूँ, जिसमें से एक चीज़ भी मैं शायद नहीं यूज़ करती हूँगी। तो यहाँ पर चलो थोड़ा सा दिखा देती हूँ बाहर का नज़ारा कि सच में इधर पर विंडो ही है। और ऊपर यहाँ पर है ना छोटा सा एक हैंगिंग पीस है, इसमें ना लाइट्स ऑन होती है इसमें, बहुत ही क्यूट सा लगता है ये। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस तो नहीं देता है लेकिन दिखने में अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ऊपर एसी है एंड या दिस वाज माय रूम। और काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा था पहले कि अपना रूम टूर दे दे, सो दिस इज़ माय रूम। और इसमें अब बताओ मैं क्या ही टूर दे दूँ, मतलब बहुत जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो दिस वॉज काइंड ऑफ माय रूम टूर ऑल्सो। तो अब आगे बढ़ते हैं और जैसे मैं अपने बेडरूम से बाहर निकलूँगी तो आएगा लिविंग रूम। और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आप लोगों की वॉल नज़र आ रही होगी जिसमें अगेन पैनलिंग एंड मिरर का काम किया हुआ है विच इज़ फुली वाइट इन कलर। सो हमारे लिविंग रूम का जो थीम है इट इज़ अबाउट वाइट एंड ग्रे कलर, तो वाइट कलर इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा होगा आप लोगों। तो दिखता बहुत खूबसूरत है लेकिन गंद भी बड़ी मचती है, अम्मी बहुत इससे सफाई, इसमें ना सफाई वगैरह बहुत करवानी पड़ती है। अच्छा जी, सो वॉल के सेंटर में बिल्कुल पैनलिंग, स्क्वायर पैनलिंग का काम किया हुआ है और उसके दोनों बगल में है मिरर का काम। सो ऐसे लंबे लंबे पतले पतले मिरर्स लगाए हैं और उनके भी बगल में लगा हुआ है अगेन पैनलिंग किया हुआ है बेसिकली। तो ये है हमारा वॉल। अच्छा जी, सो आगे मूव करेंगे तो हमारा डाइनिंग टेबल आएगा एंड विच इज़ अगेन वाइट इन कलर। और इसके जो चेयर्स हैं उनकी सीट हमने ग्रे इन कलर रखी हुई है तो थीम के साथ जाने के लिए। और डाइनिंग टेबल की साइज़ यूजुअली जो नॉर्मली होती है थोड़ी सी छोटी है बिकॉज वी आर ओनली 4 मेम्बर्स और माइलो तो डाइनिंग टेबल पर खाता नहीं है, सो ठीक है। अच्छा जी, तो जो वॉल के तरफ जो सीट नज़र आई होगी, पहले वहाँ पर सीट नहीं थी, वहाँ पर चेयर्स हमने रखी थी। सो बेसिकली वी हैड 6 चेयर्स। तो लेकिन चेयर की वजह से ना वहाँ पर जो पीछे मिरर है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने चेयर्स को हटवाया नहीं, एक सीट बनवा दी है वहाँ पर। तो वो मूव इतना ज़्यादा करता नहीं है, हम लोग हटा सकते हैं लेकिन वो वहीं पर एक जगह पर टिका हुआ है। और इसके नीचे भी अगेन स्टोरेज है, उसमें भी जो सीट है उसके नीचे भी स्टोरेज है। और इसमें से एक चेयर मैंने अपने रूम में रखी है, अगर आप लोगों को याद होगा तो स्टडी टेबल के पास जो मैंने चेयर रखी थी वो यहीं पर डाइनिंग टेबल के पास से उठाकर मैंने रख दी थी। और यहाँ पर ऊपर वॉल पर एक बड़ा सा फ्रेम लगा रखा है हमने, तो ये जब मेरे अबू अजमेर गए थे वहाँ से लेकर आए थे। तो ये इसमें चार कुल है उसका फ्रेम है। एंड नीचे आएंगे तो इस तरीके का लंबा सा एक सेक्शन बनाया हुआ है सिंक के लिए। वहाँ पर शुरू में जो आप लोगों ने कैंडल का पीस देखा था दैट वाज आल्सो अ गिफ्ट। अच्छा, तो आगे बढ़ेंगे तो हमने यहाँ पर सिंक लगा रखा है बहुत बड़ा सा विच इज़ वाइट इन कलर। और सिंक के बिल्कुल ऊपर है मिरर, तो इसका जो बॉर्डर है वो भी अगेन ब्राउन इन कलर है। ये भी आर्किटेक्चर ने चूज़ किया था और ये तो काफ़ी ज़्यादा लेट आया था, मतलब इस घर में शिफ्ट होने के ऑलमोस्ट 1 साल के बाद ये मिरर लगा हुआ है। तो ये हाल ही में लगा है हमने। और ये जो काउंटर टॉप है इस वाले सेक्शन का वो भी वाइट कलर में है। और वो जो दो ग्रीन पीसेस नज़र आ रहे होंगे वो भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। और इसके नीचे पूरा जो है वो स्टोरेज बनाया हुआ है, तो इसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भर रखी है। वो अंदर का पार्ट तो मैं नहीं दिखाऊंगी अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बट इसका जो टेक्सचर है ना वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई है और शायद वीडियो में नज़र ना आ रही हो लेकिन बनी हुई है, तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है मुझे और कलर भी बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा जी, तो वापस चलते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। लिविंग रूम हमारा अभी भी आधा बाकी है। सो अगेन लिविंग रूम जैसे स्टार्ट होता है तो राइट हैंड साइड पर तो वो सारी चीज़ें जो भी हमने देखी। और लेफ्ट साइड पर सबसे पहले तो वॉल पर आएगा हमारा स्विच, जितने भी लिविंग रूम में लाइट है सबके स्विचेज यहाँ पर है। और उसके बाद ये ग्रे कलर की वॉल है और इसमें इस तरीके के डिज़ाइन बनी हुई है, लेकिन अगेन इसमें बहुत है ना बारीक बारीक स्पेस है बीच में, सो इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा होती है। और यहाँ पर सामने ही मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है। और अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये सारी लाइट्स लगी हुई है। एंड यहाँ पर ये जो झूमर का पीस है वो पहले हमने डाइनिंग टेबल के एग्जैक्टली ऊपर लगाया हुआ था, और इस जगह जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना वो वाला पीस लगा हुआ था। तो इन दोनों की जगह चेंज की और डाइनिंग टेबल के ऊपर हमने फ़ैन लगा दिया। समझ आया कुछ? ओके, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ईजी था ना। अच्छा जी, तो यहाँ पर बच्चों की तरह झूमर का कलर चेंज करके भी मैं दिखा रही थी आप लोगों को बिकॉज आई रियली गेट एक्साइटेड व्हेन द कलर चेंजेस। और झूमर के दोनों बगल में यहाँ पर फैन लगे हुए हैं विच इज़ अगेन वाइट इन कलर। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो हमारा सोफ़ा एंड सेंटर टेबल है। सो इस घर में बस ये दो चीज़ें हैं जो पुरानी हैं, दैट इज़ आर सोफ़ा एंड दिस सेंटर टेबल। तो हमारे आर्किटेक्चर ने कहा कि सोफ़े का कलर इज़ कम्प्लीटली फाइन और हम बाद में देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसका कलर चेंज करवा देंगे। और सेंटर टेबल की कोई
खास ज़रूरत नहीं थी नए सेंटर टेबल की, तो हमने ये रखा हुआ है विच इज़ एलियन शेप, और यहाँ पर ये टेलीफोन है और इससे हम रिश्तेदारों से बात नहीं कर सकते, ये सिर्फ नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड वॉचमैन है उनको ही कॉल लगती है। अच्छा जी, सो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी विंडो है, इसमें भी हमने कर्टन्स लगा रखी है विच इज़ ग्रे इन कलर अगेन, और विंडो को ना अम्मी ने पूरी ग्रीनरी से भरा हुआ है, इसमें रोज़ेस है अलग अलग, मतलब पिंक रेड एंड वाइट तीनों टाइप के रोजेज़ है, लेकिन शायद अभी इसमें आए नहीं है या फिर नज़र ही नहीं आ रहे। और ये सामने वाला जो प्लांट है ये सिर्फ शोपीस के लिए है, और ये बिल्कुल क्रिसमस ट्री जैसे नज़र आ रहा होता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो अब आगे बढ़ेंगे और राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से कबर्ड या वार्डरोब या स्टोरेज की जगह बनवा रखी है हमने, और ये भी अगेन वाइट एंड ब्राउन इन कलर है, और ये बिल्कुल ऊपर तक जाता है, मतलब इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइट है। तो ये जो है ना स्पेस या ये जो कबर्ड है वो अम्मी ने बोलकर बनवाया था ताकि हम इसमें अपने कुरान और जानामा सारी चीज़ें रख सकें। सो मैं खोलकर थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी थोड़ी सी बुक्स रखी हुई है, ऊपर जानामाज रखे हैं और नीचे वाला सेक्शन खाली है, क्योंकि खाली है, बस खाली है। अच्छा जी, ऊपर जाएंगे तो फिर हमने कुरान रखे हैं, सारे जो सिपारे हैं और ट्रांसलेशन वाला कुरान है उसके ऊपर, तो और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई है, एकदम ऊपर तक नहीं जाऊँगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेस है वहाँ पर। और इसके नीचे भी ड्रॉवर है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें हैं। ओके, सो लेट्स क्लोज दिस फॉर नाउ, और आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो एक्चुअल टीवी यूनिट है वो स्टार्ट होता है विच इज़ ऑल्सो सेम इन कलर, वाइट एंड ब्राउन, और इसके ऊपर बिल्कुल यहाँ पर टीवी लगी हुई है, कितने इंचेस का है वो तो मुझे याद ही नहीं है। तो यहाँ पर नीचे भी सारे ड्रॉवर्स है, और यहाँ पर अगर आप लोग को याद होगा बहुत पहले तो मैंने एक फ्लावर वास जो है वो रखा हुआ था, लेकिन उसे भी माइलो ने तोड़ दिया, तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है। और नीचे भी सारे ड्रॉवर्स बने हुए हैं जिसमें मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें रखी हैं, एंड यहाँ पर एक राउंड सा स्पेस भी बनवाया था आर्किटेक्चर ने कुछ रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या रखा जाए वो अभी तक हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और ये सारी जो पीसेज है वो भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगवाया था, एंड ये वाला पीस मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, इट्स अ काइंड ऑफ सैंड फॉलिंग डाउन, तो अभी तो शायद गिर नहीं रहा है लेकिन अच्छा लगता है ये भी। और इसके ऊपर बिल्कुल इस तरीके से ना पैनलिंग का काम किया गया है ब्राउन इन कलर, ताकि यहाँ पर हम लोग क्लॉक लगा सकें, तो बस यहाँ पर क्लॉक लगी हुई है। और ये जो टीवी यूनिट का वॉल है, आई डोंट नो ये किस कलर में है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ लाइट ब्राउन गोल्डन कलर की स्ट्रिप्स लगी हुई है, मगर मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ये क्या कलर है, और इसका भी टेक्स्चर थोड़ा सा अलग है। और ये जो हमारा टीवी है ना वो ऐसे मूव करता है साइड वाइज और आगे भी आता है, सो इट बिकम्स ईजी टू क्लीन, पीछे क्लीनिंग वगैरह करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अच्छा जी, सो लिविंग रूम का तो जो लुक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब मूव करेंगे हम लोग किचन की तरफ। सो आगे बढ़ते ही लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन किचन आता है, और किचन में एंटर करने से पहले यहाँ पर इस तरीके से ना हिडन डोर लगा दिया है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है, तो इस तरीके से इसको अंदर बंद भी करते हैं। तो किचन में एंटर करते साथ ही सबसे पहले हम लाइट्स ऑन करते हैं, और किचन का जो पूरा थीम है उसको दो शेड्स में किया गया है, सो जो नीचे वाले पार्ट्स हैं जो भी ड्रॉवर्स हैं जिसमें बर्तन वगैरह रखे जाते हैं, तो उसको है ना लाइट पिंकिश या फिर पीच कलर में कह लें, ये पेस्टल कलर टाइप है, और जो ऊपर वाले सारे सेक्शन हैं उनको वाइट कलर में किया गया, पूरा ऊपर भी स्टोरेज ही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी ज़्यादा सामान या बर्तन हमारे इसमें आ जाते हैं, और ये ग्लॉसी फिनिश में है। और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर चिमनी है, एंड उसके एग्जैक्टली नीचे है हमारा गैस स्टोव, और हमारा जो किचन काउंटर है वो इट इज़ ब्लैक इन कलर। ओके जी, और ये सब जो बर्तन मैंने अभी धोकर रखे, डोंट माइंड दिस। एंड यहाँ पर अगर राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ नीचे डस्टबिन है, एंड देन हियर इट इज़ आवर वॉशिंग मशीन, और इसको पता नहीं कि मम्मी इस तरीके से दुल्हन की तरह हमेशा ढक कर रखते हैं। एंड अगेन यहाँ पर भी एक किचन काउंटर है, और बस यहाँ पर भी सारी चीज़ें रखी है जिनको हटाने की मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, क्योंकि बस नहीं करना था मुझे, और बस वही सारी चीज़ें हैं जो घरों में होती है। एंड इसके अंदर हमने टेंडन शीट्स लगा रखी है, दिस वॉज समथिंग न्यू वी ट्राइड, और ये काफ़ी अच्छा हो गया है। और वॉशिंग मशीन के एग्जैक्टली ऊपर यहाँ पर माइक्रोवेव रखा हुआ है, और इसके भी ऊपर जो स्टोरेज है ना, तो इसके अंदर मैंने अपने सारे बेकिंग के स्टफ़ रखे हुए हैं, ऑल दो दिस इज़ नॉट सफिशियंट फॉर मी, मुझे और भी ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो इस तरफ आएंगे तो इसमें भी मेरी काम की ही सारी चीज़ें हैं, बेकिंग वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और उसके बगल में एग्जैक्टली इस तरीके से कांच का एक हमें ड्रॉवर दे दिया बना के, तो उसमें हमने अपनी सारी क्रॉकरीज रखी हुई है, सारी कांच की है, आगे ज़्यादा नज़र नहीं आ रही क्योंकि जो बड़े बड़े बोल्स हैं वो हमने पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया, आगे की तरफ सिर्फ ग्लासेस एंड छोटे वाले बोल नज़र आ रहे होंगे। और नीचे जो मसाले का सेक्शन
ऑप्शन है ना वो इस तरीके से बनवा लिया था, मम्मी ने बोलकर बनवाया था कि ऐसे बनवा लेते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पड़ जाता है, बहुत हैंडी हो जाता है, जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। तो एक तरफ तो सारे चाइनीज़ सॉसेज एंड बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दुनिया भर के जो रेडीमेड मसाले हैं वो है, एंड इस तरफ सारे जो हमारे देसी मसालेज होते हैं ना, गर्म मसाला, धनिया पाउडर, वो सब हमने रख दिया, तो हमारे सारे मसाले इसमें अकोमोडेट हो जाते हैं। सब चाय पत्ती, शुगर वगैरह है वो हमने ऊपर रखा हुआ है जहाँ पर हमारा स्टोव है, तो उस तरफ रखा है हमने, और ये हमारा फ्रिज है, और दैट्स इट। ये हमारा किचन का जो टूर है वो यहीं पर फिनिश होता है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड, अब हम अपने जो नेक्स्ट बेडरूम है उसकी तरफ जाएंगे। तो किचन से निकलते ही यहाँ पर सबसे पहले राइट हैंड साइड पे हमारा कॉमन वॉशरूम है, उसमें दिखाने जैसी कोई चीज़ है नहीं, और उसके एग्जैक्टली सामने लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर मेरे भाई का बेडरूम आएगा। तो एंटर होते साथ यहाँ पर दो स्विचेस दिए हुए हैं, एक फ़ैन के लिए और एक लाइट के लिए ऑब्वियसली। और इसका जो टाइल्स है ना, सारे बेडरूम के टाइल्स यहाँ पर हमने ग्रे करवाई थी, और जो लिविंग रूम की टाइल है वो वाइट कलर की है, और किचन की भी ऑब्वियसली। अच्छा, सो यहाँ पर भी साइड टेबल एग्जैक्टली जैसे मेरे बेडरूम में दिया हुआ है वैसा ही है, फोल्ड करने वाला। और इस बेडरूम का जो थीम है, इट इज़ समथिंग लाइक एक्वा ब्लू इन कलर, और वाइट में भी है। तो ये जो पूरा वॉल है इसमें भी वुडन का वर्क किया हुआ है, और ये है हेडबोर्ड ऑब्वियसली। और आगे मूव करेंगे तो राइट हैंड साइड पर है वार्डरोब, तो वार्डरोब में दो शेड्स दिया हुआ है, ये भी जो नीचे वाला पार्ट है उसका भी थीम जो है वो मैच कर रहा है जो बेड के पीछे है, और ऊपर भी इसमें भी एज यूजुअल जैसे सारे बेडरूम्स में है स्टोरेज दी हुई है। और जो भी न्यू गेस्ट आता है घर में, सबको ना ये वाले बेडरूम की थीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैं और मेरे भाई जो फर्स्ट बेडरूम है उसके पीछे पड़े हुए रहते हैं। अच्छा जी, सो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सामने, अगर आप लोग गेस कर पाएँ तो गेस कीजिएगा क्या वॉट इज़ इट। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वॉशरूम, तो ये वाला काफ़ी न्यू और यूनिक चीज़ हमें लगी थी जब आर्किटेक्चर ने बनवाया था, तो ये वॉशरूम ही है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ शॉर्ट प्रूफ। तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन इसका जो डोर है हमें हमेशा खुला रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ माइलो, इसे माइलो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। और यहाँ पर जो वेव मशीन है और जो योगा मैट मैंने यहीं पर ला के डंप कर दिया है, क्योंकि मेरे बेडरूम में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बची है, एंड लिविंग रूम का लुक हमें ख़राब नहीं करना है। अच्छा, सो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने ये क्लॉक लगा रखी है ऊपर, और ये भी गिफ्ट था, मेरे चाची ने गिफ्ट किया था हमें जब हाउस वार्मिंग दावत थी तब। तो इसका जो कलर है वो इस वाले बेडरूम के साथ एकदम परफेक्टली मैच हो रहा था, तो हमने बस इसे यहीं पर लगा दिया। और इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर भी अगेन बड़ी सी विंडो दी हुई है, जिसे मैंने ऑब्वियसली कर्टन से क्लोज कर रखा है। और इस बेडरूम में जो सबसे प्यारी चीज़ मुझे लगती है वो है इस वाले मिरर का जो शेप है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा यूनिक बनाया हुआ है हेडबोर्ड के साथ कनेक्ट करके हुए, तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ कनेक्टेड यहाँ पर नीचे है ड्रेसिंग टेबल, इसमें दो ड्रॉवर्स हैं जिसमें मेरे भाई ने दुनिया भर की अनाप शनाप चीज़ें भर रखी हुई है। ठीक है, तो ये वाला बेडरूम जो है वो यहीं पर हम इसका जो टूर है वो फिनिश करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स आर नेक्स्ट बेडरूम। तो जो सबसे आखिर में सबसे बड़ा बेडरूम है वो है मेरे अम्मी अब्बू का, तो एंटर करते साथ यहाँ पर टाइल्स एज यूजुअल ग्रे है, और राइट हैंड साइड पे यहाँ पर वॉशरूम दिया हुआ है जो कि अच्छी खासी साइज़ में है। तो इसमें दिखाने वाली जैसी तो कोई चीज़ है नहीं, बट स्टिल आई एम शोइंग अ लिटिल बिट ऑफ स्नीक पीक, क्योंकि इसका जो सिंक है ना इस वाले वॉशरूम का, इसका जो कलर है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा जी, तो ये था वॉशरूम, और अब आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर टीवी यूनिट कम ड्रेसिंग टेबल दी हुई है, और यहाँ पर ये सेपरेट सीटर्स भी बनवा लिया था हमने, बाद में बनवाया था ताकि अगर इनकेस गेस्ट ज़्यादा हो गए तो वी कैन यूज़ दिस। और ये जो टीवी यूनिट है, तो इसका जो टीवी है ना हमने अपने पुराने वाले घर में अपने लिविंग रूम में लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमने आते साथ थोड़ी बड़ी साइज़ की टीवी ले ली, तो फिर अब्बू ने कहा कि ये वाला हम इस बेडरूम में यूज़ कर लेंगे। और ये जो मिरर है इसके पीछे भी स्टोरेज दिया हुआ है, हेयर ऑयल वगैरह जो भी सारी चीज़ें रखनी होती है तो अम्मी ने इसमें रखी हुई है। और यहाँ पर भी ड्रॉवर्स दिए हुए हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें डंप कर रखी है हमने। और उसके बाद यहाँ पर फुट मसाजर रखा हुआ है जो अम्मी के लिए मंगवाया गया था, लेकिन अब वो इसे हार्डली यूज़ करते हैं। और यहाँ पर है ना विंडो दी हुई है जैसे मैंने कर्टन से बंद कर रखा है। और इस बेडरूम का भी थीम इज़ समथिंग लाइक ग्रे एंड वाइट, लेकिन इट इज़ डिफरेंट ग्रे फ्रॉम व्हाट वी हैड इन अ लिविंग रूम। और यहाँ पर इस तरफ है ना आर्किटेक्चर ने एक और एक सीटर बनवा दिया था, क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा थी इस बेडरूम में, तो वार्डरोब के बिल्कुल बगल में एक सेपरेट सीटर बनवा दिया था, और इसके नीचे भी स्टोरेज ही दी हुई है, तो हमने इसमें सारी फाइल्स वगैरह जो है वो बहुत सारी भर रखी है। और यहाँ पर विंडो के बाहर का भी थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ, उसके बाद विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे तो ये सेपरेट सीटर जो बनवाया हुआ है ना उसके एग्जैक्टली बगल में से अटैच्ड ये वार्डरोब है, और ये वाला सबसे बड़ा वार्डरोब है, और इसमें भी एग्जैक्टली ऊपर स्टोरेज दी हुई है। एंड ये वाला जो पहला सेक्शन है इसको मेरे अब्बू यूज़ करते हैं, जो मिडिल सेक्शन है उसको अम्मी यूज़ करते हैं, लास्ट वाला सेक्शन इट्स काइंड ऑफ मिक्सअप थिंग, उसमें भी सारी मिक्सड चीज़ें भरी हुई हैं। तो इस वार्डरोब के एग्जैक्टली सामने है बेड, और इस बेड के दोनों बगल में ना इस तरीके से मिरर वर्क किया हुआ है, मिरर वर्क के एग्जैक्टली नीचे साइड टेबल्स दी हुई हैं, दोनों तरफ साइड टेबल्स
केबल्स हैं और उस पर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को तस्बीह, जिसे मेरी अम्मी अक्सर यूज़ करते हैं रात में जब उन्हें नींद नहीं आती है तो। और यहाँ पर साइड टेबल के ऊपर ना स्विचेस दिए हुए हैं सारे लाइट्स के लिए, एंड दो ड्रॉवर्स भी है, सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी अकोमोडेट हो जाती है इसमें। एंड दी हेडबोर्ड इज़ लाइक अ किंग साइज एग्जैक्टली लाइक इट्स बेड, बिकॉज इसका जो बेड है वो एज़ कम्पेयर टू अदर टू बेड्स बड़ा है। और यहाँ पर बेड में इस तरीके से डिज़ाइंस भी दिए हुए हैं जो कि काफ़ी हद तक हेडबोर्ड से मैच कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो राइट हैंड साइड पे साइड टेबल है वो मेरे अबू यूज़ करते हैं कम्प्लीटली, और ऊपर रूफ़ की तरफ एज़ यूजुअल लाइट ही लगी होनी है, लेकिन इसकी लाइट जो है वो थोड़ी सी यूनिक है, इसमें लंबे लंबे ऐसे पतले पतले स्ट्रिप्स हैं लाइट के, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं इस वाले बेडरूम की जो लाइटिंग्स हैं। तो दिस वॉज़ दी लुक ऑफ आर फाइनल एंड लास्ट बेडरूम, और ये था पूरा हमारा होम टूर। तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू गाइज लाइक इट और नॉट, और अगर पसंद आया हो सो माशाल्लाह ज़रूर बोलना इन द कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो यहीं पर वाइंड अप करेंगे, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, पसंद आया हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, एंड दैट्स माई मॉम।